वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा का डो। ये वैसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन घर के बनाए हुए फ्रेश डो की बात ही कुछ और होती है। तो प्लीज़ इसका सामान आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ 2 कप मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है, मैदा 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट है, नमक 3 टेबल स्पून, ऑयल लिया है। आप यहाँ पर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। 1 टेबल स्पून शुगर ली है एंड 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ड्राई ईस्ट ली है। और यहाँ पर मैंने लूक वॉर्म वाटर लिया है। इसका टेम्परेचर इस तरह से नापना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें पानी में फिंगर डिप करें तो फिंगर आपकी जलनी नहीं चाहिए। बस ये आपको हाथों को सहन हो सके, बस इतना ही पानी लेते हैं इसमें, इतना ही गर्म पानी। तो प्लीज़ चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट करते हैं। ये मैंने ड्राई ईस्ट ली है, इसमें हम शुगर डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा, बस बिल्कुल थोड़ा सा हमें इसमें पानी डालना है, जैसे ईस्ट हमारी एक्टिवेट हो जाए। डाल दिया इसे, मिक्स करा, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे इसमें। देखिए ईस्ट और शुगर पानी में अच्छे से घुल चुकी है। हम इसको एक्टिव होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ईस्ट हमारी कितने अच्छे से एक्टिवेट हुई है। हम इसका डो बनाना स्टार्ट करते हैं। डो में हम सबसे पहले ये अपने एक्टिव ईस्ट डालेंगे। सॉल्ट और 2 टेबल स्पून ऑयल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कीजिए कि आपके हाथ अच्छे से वॉश हों। ये देखिए सारा सामान मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक डो तैयार करना है। इसका एक सॉफ्ट डो हमें बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें ऐड कीजिए, क्योंकि आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड किया तो डो हमारा बिल्कुल पतला हो जाएगा। देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे डो को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से पानी हमें इसमें नहीं ऐड करना है। ये देखिए डो हमारा तकरीबन तैयार है। और इसमें जो हमने थोड़ा सा ऑयल बचाया था वो हमें इसमें ऊपर से मिक्स करना है। तो हम हाथ से ऑयल लेंगे और इसे ऐसे मंगाएंगे और फिर हम इसे अच्छे से इसे डो को गूंदेंगे। इसे हमें जब तक गूंदना है जब तक ये बिल्कुल चिकना नहीं हो जाए। इस पर थोड़ा सा ऑयल और ले डालेंगे, इसे फिर मिक्स करेंगे। देखिए ये डो हमारा अच्छे से गूंद चुका है और ये बहुत चिकना भी हो गया है। और हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, जिससे ये डो हमारा फॉर्मेट हो जाए। इसको हमें किसी गर्म जगह पर रखना है। आप चाहें तो इसे अपने ओवन के अंदर भी रख दीजिए, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर गर्म होता है, यह बहुत अच्छे से राइस करेगा। देखिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये इसका डो हमारा कितने अच्छे से फूल के डबल हो चुका है। ये डो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आप इसका इसमें एक चाहे तो लार्ज पिज़्ज़ा बनाएं या 2 मीडियम पिज़्ज़ा बनाएं, और आप इसको एक रोटी की तरह बेलिए। ये कितना थिक रखना है, कितनी मोटा मोटा रखना है, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको अच्छे से रोटी की तरह बेलिए, एक फोक की मदद से उसमें आप इसमें चारों तरफ फोक करिए, कांटे करिए इसमें, और इसे फिर आप बेक करिए या पैन पिज़्ज़ा बनाइए। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।